उधर हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों में कमर कस ली है और तमाम पार्टियां रणनीति बनाकर चुनावी तैयारियों में जुटी हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि नेलो नेता अभय चौटाला परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। बीती शाम परिवर्तन यात्रा अभय चौटाला के पैतृक गांव पहुंची और इस दौरान अभय चौटाला ने कहा कि यात्रा ने अब तक 53 विधानसभा क्षेत्र कवर कर लिए हैं। ये मेरा 54वां विधानसभा क्षेत्र है और इतनी गर्मी होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग मेरे साथ चल रहे हैं। यहाँ के लोग हमें वादा कर रहे हैं कि सिरसा लोकसभा की सीट और साथ ही सिरसा जिले की पांचों सीट पर इनेलो की जीत होगी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब सत्ता का परिवर्तन होगा और पूरे प्रदेश में इनेलो की लहर चल रही पड़ी है। इनेलो की सरकार बनेगी और इसके साथ ही उन्होंने अपने चाचा रणजीत चौटाला को भी निशाने पर लिया। ये मेरा 54वां विधानसभा क्षेत्र है, मैं 53 अब से पहले कवर कर चुका हूँ और सरसा का ये तीसरा है। पहले फतेहाबाद में, इसमें इलाहाबाद में गया और फिर मैं राणिया में गया था। अब राणिया से डबाड़ी में एंटर किया है, अगले 3 दिन डबाड़ी में हूँ, उसके बाद फिर कालावाड़ी में जाऊँगा और फिर सरसा में जाऊँगा। हर क्षेत्र का 3-3, 4-4 दिन का मेरा कार्यक्रम है। आपने देखा है कि डबाड़ी के लोगों का कितना उत्साह था, किस तरह महिलाएं, बच्चे, नौजवान, बड़े बूढ़े हजारों की संख्या में मेरे साथ इस गर्मी में चल रहे हैं।